हमारी तो प्राथमिकता ये है कि जो लोग घायल हैं उनको हम बचा सकें। इस ट्रेन हादसे में मध्य प्रदेश और बिहार दो राज्यों के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। हमारी एक टीम, हमारे मंत्री नरोत्तम मिश्रा और हमारे दतिया के कलेक्टर एसपी डॉक्टर्स की एक टीम घटना स्थल पर है। वहाँ मृतकों की पहचान करके मृतकों को यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था कर रहे हैं और एक टीम हम यहाँ छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर और डॉक्टर्स की टीम पूरी आई है। वो यहाँ जो घायल हमारे पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल में सहयोग करेगी। मैं यहाँ के प्रशासन को और अस्पताल के जितने जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं और यहाँ के समाज सेवियों को धन्यवाद दूंगा कि वो हमारे जो घायल भाई और बहन हैं उनकी ठीक देखभाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की भी एक टीम यहाँ रहेगी तो ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं शिफ्ट करना है और कहीं इलाज करवाना है, कहीं ले जाना है, तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी प्राथमिकता है प्रभावितों को हर कीमत पर जो सहायता की जा सकती है, सहयोग किया जा सकता है, वो सहयोग करना। अब जो चले गया उनको हम नहीं बचा सकते, उनको तो भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कई घायल हैं उनकी ज़िंदगी बचाना हमारी प्राथमिकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने परिवार के साथ थे और परिवार के बाकी लोग नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तो हमारे एक आईएएस अफसर है चंद्रमोहन ठाकुर, वह भी घटना स्थल से यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको छोड़ेंगे। डॉक्टर्स की टीम दतिया छतरपुर आसपास